तो आज हमारे सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली के जामा मस्जिद से। ऐसा कहा जाता है कि जामा मस्जिद का रात का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। इस मस्जिद को मुगलिया सल्तनत के बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद को बनवाने में करीब 12 साल लग गए। कहीं ना कहीं इसे शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इसको दूसरी इमारत कहा जाता है, जो ताजमहल से सिर्फ कम ही दिनों में बनी थी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगरा किले से इस मस्जिद का रास्ता कहीं पुराना पुराना दिखाई दे रहा है। ये मस्जिद भी कहीं लाल बलुआ पत्थर तो कहीं सफ़ेद संगमरमरों से बनी हुई है। शाम के समय यानी कि नमाज मगरिब के बाद यहाँ औरतों का आना बिल्कुल भी मना है। जामा मस्जिद में दो बड़ी बड़ी मीनारें हैं तो चार छोटी छोटी मीनारें हैं। ये रहा आपका रात का नज़ारा जो आपको जामा मस्जिद में दिखाई देने को मिलेगा। जामा मस्जिद की इस बड़ी मीनार के अंदर हम आपको दिन में लेके चलेंगे, जहाँ से पूरी दिल्ली का नज़ारा दिखता है। वो आपको हम एक दूसरे वीडियो में दिखाते हैं। तो ये रहता है हमारा रात का नज़ारा जो हमें जामा मस्जिद में देखने को मिला। जैसे ही हम जामा मस्जिद से बाहर आए, मार्केट में इतना शोर शराबा था, जैसे लग रहा था कि ये कहीं का भव्य मार्केट सजा हुआ हो। कहीं चूड़ियों की खनक तो कहीं बिरयानी के देगों के खनकने की आवाज़ कहीं ना कहीं हमें मन ही मन बहुत परेशान कर रही थी। कहा जाता है कि जामा मस्जिद का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको सुई से लेके कार तक की चीज़ें मिल जाएंगी। बिल्कुल हाँ, ये सच था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है यहाँ के खाने का मार्केट। तरह तरह के पकवानों से ये पूरा का पूरा मार्केट भरा हुआ है। शेरमाल से लेकर लच्छे पराठों तक की खुशबू हमारे नाकों को छू के चली जा रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ का नज़ारा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कुछ ही जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। जामा मस्जिद के दुकानों से मुखातिब होकर हम निकल पड़ते हैं मीना बाजार की तरफ। मीना बाजार जामा मस्जिद से बिल्कुल सटी हुई बाजार है, जो अंदर ही अंदर लाल किले तक जाती है। इस मीना बाजार का इतिहास तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं, जिसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में आया। हालांकि इसकी शुरुआत तो उनके पिता हुमायूं द्वारा भी की गई थी। इस मीना बाजार में आपको तरह तरह की वस्तुएं दिख जाएंगी। वैसे तो मीना बाजार जो है औरतों के लिए ज़्यादा फेमस है। तो हमारे जामा मस्जिद का सफ़र ख़त्म होता है बस यहीं तक। अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।